जब रुद्र का रूप लिया इन्होंने, मतलब रुद्र का रूप तो त्याग के, रुद्र रूप बोलते हैं ना वैसे, हनुमान जी भगवान शिव की 11वें ग्यारह रुद्रावतार है। रुद्रावतार है, यमराज से भी कनेक्टेड स्टोरी है ना, कि यमराज को बांध रखा था रुद्रों के बंधन से रावण ने, और यमराज ने पीठ पे लात मारी थी ऐसा कुछ जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया था, ये सत्य है? देखिए, मृत्यु को ही बांध रखा था रावण मृत्यु ने, को बांध रखा था। खल तो ही मृकुट मृत्यु निकट अब आई सुंदरकांड में। तो हनुमान जी जब पहुंचे रावण के सामने, रावण की सभा में, तो रवि सोम मंगल बुध सब गुरु बंधे हुए। शनि सब बंधे, आवाज आ रही हाय 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 हाय। हनुमान जी ने देखा तो शरीर उल्टे लटके, हाँ, शनि का की बाबा भी। बचाओ। हनुमान जी एक चौपाई ना, उलट पलट लंका सब जारी। इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी ने ऐसे पकड़ा शनि को, उलट पलट, एक बार उलट पलट किया और लंका में आग लग गई। ओ अब शनि को उलट पुलट कर देना ये कोई आसान हाँ, काम है, कोई सुगम काम है, कितना दुर्गम काज है। लेकिन दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। जितने दुर्गम काज है इसी के लिए तो हनुमान जी आए। हाँ देखो, और जैसे ही रावण ने कहा है बंदर तुझे डर नहीं लगता, देख मैंने किस किस को बांधा है। छह प्रश्न किए सुंदरकांड में रावण ने हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी बोले नहीं। अब सुनो कौन कौन से। कह लंकेश कवंत कीसा, के बल घाले भन खीसा। दो प्रश्न हो गए, की धो श्रवण सुनई नहीं मोई, देखो अति असंग सट तोई। चार, मारे निश्चर के अपराधा, क्यों मारा, क्यों मारा तूने, कौ सट तोई ना प्राण कह बाधा। सुनते रहे तेरी तो राप, जब बोलने पर आए सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। है सुन रावण पाई जासु बल बिरचित माया। यहां अपना बखान नहीं करते, ये क्वालिटी है हनुमान जी की, हर जगह राम को आगे करके चलते हैं। जाके बल्लव लेस्ते जितु चराचर झार, जिसके बल से तूने दुनिया को जीता है ना, आज उसी की सीता को हर करके तू ले आया, दुष्ट मूर्ख। हनुमान जी ये सब नहीं बोले, रावण ने बोला ये सब। सट, रावण हनुमान जी को गाली दे रहा है और हनुमान जी उसको कह रहे सबके देह परम प्रिय स्वामी। इक्वालिटी है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारे मोई कुमारक गामी, जिन मोई मारा तही मैं मारे, ते मैं मारे तही पर बांधे तने तुम्हारे। मोहन कछु बांधे के लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। और अब भी हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे, सीता जी को लौटा दे, विनती करूं जोड़ कर रावण। सुनो मान तज मोर सिखावन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं भाई, तू सीता को लौटा दे, गारंटी मेरी है अगर तुझसे कोई लंका छीन ले। और देखो विभीषण को हनुमान जी ने लंकेश बना दिया, लंकेश बना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश, रावण भी बना रहता लेकिन इसने मां को। और जब रावण ने कहा है बंदर देख मृत्यु तेरे पास खड़ी है, हनुमान जी ने कहा खड़ी तो मेरे पास है बेटा, लेकिन तेरी। लेकिन पूछ मुझे रही है मेरे कान में, इसे कब मारोगे, अभी मारोगे बाद में मारोगे। ए बंदर बहुत बोलता तो क्या बोलता, तो क्या पकड़ो इसे बंदर को जरा। वो भी तो कितनी चतुराई इसमें भी है कि पहले उन्होंने पूछ में आग लगवाई प्यार से कि लगा ले, फिर उसके बाद उन्होंने रूप छोटा लिया। मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करता जाता हूँ, नहीं तो इतना फैल जाए ये। डिफाइन करना, एक एक चौपाई का अपना महत्व है। जैसे रावण ने कहा ना, ए इस बंदर के अंग भंग करो, अंग भंग कर पठायो बंदर। हाँ तब हनुमान, ये अच्छा लग रहा है मुझे, आपको सुंदरकांड का अभ्यास है। जय श्री राम। अंग भंग करी पठाइए बंदर। अब हनुमान जी ने सोचा हे भगवान ऐसा ना हो अंग भंग करते समय राक्षसों को शूर्पनखा की याद आ जाए। अगर शूर्पनखा की याद आ गई तो क्या होगा, मेरे क्या करेंगे ये अंग भंग करेंगे, अंग भंग करेंगे, नाक और कान काटेंगे। और लंका में आके नाक कान कटा के जाऊं, ये तो गलत बात हो जाएगी। है राम जी ने मुझे यहां भेजा और नाक कटा कर मैं चले जाऊं, कान कटा कर चले जाऊं, इन कानों से तो मैं राम कथा सुनता हूं। फिर हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ उठाई, महानाटक निपुण है, नाटक करने में नंबर वन, और ऐसे पूंछ को उठाया और चूमने लगे। ए पूंछ देवी, ए बहन, तेरा मेरा रिश्ता आज तक ही था। पहले तो हनुमान जी ने ये कहा कि जैसे ही रावण बोलने ना लगा ना, कप के ममता पूंछ पर
सबई कहूं समझाई। इतने में हनुमान जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की, हे माँ इसकी जुबान पर बैठ जाओ ना, हे माँ इसकी जुबान पर बैठ जाओ ना। माई भगवती शारदा शारदा, माई भगवती शारदा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मा सना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताम्, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाडयापा।